क्या होते हैं कि स्मॉल बिजनेस कैसे शुरुआत करें, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ेगी, किससे लेनी पड़ेगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी या जॉब जॉब के साथ बिजनेस हो सकता है। देखो अगर आपकी एज 25 या 30 या इसके रेंज में है और आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपके पास देखो दो तीन तरीके हैं। और इमोशन की बात करें तो घर और कार का भी इसके पास एक इमोशन होता है कि यार घर घर तो वैसे भी एक इमोशन होता है, हर किसी के पास होता है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन हमें अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखना पड़ता है। ठीक है, तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निक्स डिजिटल मीडिया। आज हम बात करने वाले स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तुम लोगों के बहुत सारे यार क्वेश्चन होते हैं, देखो यार गाइस तुम लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सही होते हैं। क्या होते हैं कि स्मॉल बिजनेस कैसे शुरुआत करें, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ेगी, किससे लेनी पड़ेगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी या जॉब जॉब के साथ बिजनेस हो सकता है, अगर जॉब छोड़ दी तो फिर जो सर्वाइवल है वो कैसे होगा। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना आज इस वीडियो में सब क्लियर होने वाले, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होने वाला है। देखो अगर आपकी एज 25 या 30 या इसके रेंज में है और आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपके पास देखो दो तीन तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि कहीं से जाके बहुत सारा पैसा उठा लो, कहीं पड़ा हुआ है वहां से उठा ले। इतना आसान नहीं है, कहीं भी पैसा पड़ा हुआ नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना आपके लिए है ना मेरे लिए गाइस। तो गाइस सेकंड ऑप्शन, व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज कि किसी से आप ऐसे से शादी कर लो जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो भी इतना आसान नहीं है। शादी तब होती है जब आपके पास भी पैसा हो। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज कि कहीं ट्राई करो कि एक कोई लॉटरी लग जाए, वो भी सबके लिए आसान। तो देखो ऑप्शन है क्या, अगर आपके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपके पास दो ऑप्शन। फर्स्ट वन इज डूइंग जॉब एंड अ फ्रीलांसर। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि यार जॉब का ना बहुत गंदा सा मार्केट बना दिया है कि जॉब नहीं करनी चाहिए या फ्रीलांस नहीं करना चाहिए, बहुत ये है वो है। मैं आपको बताता हूँ, अल्टीमेटली आपको चाहिए पैसा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और अगर आपके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको कहीं ना कहीं से ये अमाउंट जनरेट करना पड़ेगा उसको फुलफिल करने के लिए। क्योंकि जब आप बिजनेस करने जाते हो ना तो आपके पास पैसे का इशू नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपके सर्वाइवल का तो यार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप बिजनेस करने जा रहे हो और आपके सर्वाइवल में इशू आ रहा है, आप खा नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे, तो फिर आप बिजनेस कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो ये चीज पहले आपको कवर करनी है। सेकेंड ऑप्शन जो मैंने चूज करा, स्टडी प्लस वर्क, पढ़ाई के साथ साथ आपको काम करना, वो मोस्टली लोग नहीं कर पाते क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है या कॉलेज वाले उनको उस जगह पे कंसंट्रेट नहीं करने देते। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो उस फील्ड का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन देखो और वहां से एक एटलीस्ट शुरू कर दो ताकि आपको एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाए, या वहां से कुछ अर्निंग एटलीस्ट जब आप कॉलेज से निकलो तो आपके पास बैकएंड पे कुछ एक्सपीरियंस हो ताकि आपकी जॉब भी अच्छी लग सके। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पर्सन ए और पर्सन बी। आपको डिसाइड करना है कि आप पर्सन ए हो या पर्सन बी हो। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। तो गाइज आई थिंक आपको पर्सन ए और पर्सन बी दोनों देख रहे होंगे। अब देखो देख के ही बता दो कि तुम पर्सन ए हो या पर्सन बी हो, इनके करेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो पर्सन ए की अगर हम बात करते हैं, इसकी अर्निंग की, एक्सपेंस की, थिंकिंग की, सेविंग की और बिजनेस की, ये जो बंदा बड़ा कूल सा दिख रहा है ना, इसकी क्या थिंकिंग है, क्या एक्सपेंसेस है, वो सब डिस्कस होने वाले। फिर हम बात करेंगे सेकेंड पर्सन की। ठीक है, पहले हम देखते हैं, देखो अर्निंग इसकी मान के चलते हम एक महीने में 1,00,000 रुपए कमाता है। एक्सपेंस की बात करें तो 50,000 रुपए इसके इंटरनल या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस है। अब देखो थिंकिंग की बात करते हैं, थिंकिंग पे आते हैं तो इन्वेस्टमेंट और इमोशन दो तरीके की थिंकिंग है। इन्वेस्टमेंट में ये देखो ये पैसा अपना क्या करता है, जो 50,000 रुपए बचे वो अपना स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में वहां पे इन्वेस्ट करने का ये अपना माइंडसेट रखता है। और इमोशन की बात करें तो
घर और कार का भी इसके पास एक इमोशन होता है कि यार घर घर तो वैसे भी एक इमोशन होता है, हर किसी के पास होता है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन हमें अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये इसके इमोशन है। अब सेविंग की बात करें तो देखो जब इसने पैसा अपना EMIs में लगा दिया है, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगा दिया है, तो ये किस पे इसकी सेविंग कहाँ डिपेंडेंट है, वो वहीं पे डिपेंडेंट है, वो फ्लक्चुएट होती है चीजें, आपको पता ही है ये सब चीजें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो सेविंग क्या है, फ्लक्चुएट हो रही है। अब बिजनेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऑन अदर कंपनीज, ये बंदा बिजनेस कर रहा है लेकिन दूसरी कंपनीज पे डिपेंडेंट है और डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की, पर्सन बी की। तो देखो अर्निंग इसकी है 1,00,000 रुपए, इसकी भी 1,00,000 रुपए है, एक्सपेंसेस इसके कितने, इसके भी 50,000 एक्सपेंस है, सेम एक्सपेंस। आप अब थिंकिंग में फर्क देखना। अब देखो बात करते हैं सेविंग की, तो इस बंदे की पर मंथ सेविंग कितनी है, 50,000 रुपए। ये कहीं और खर्च नहीं कर रहा, ये कहीं भी स्टॉक्स में नहीं लगा रहा, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, ये अपना 50,000 रुपए सेव कर रहा है। अब इसकी पर ईयर की जो सेविंग है वो हो गई 50,000 × 12, कितना हुआ 6,00,000 रुपीज। तो इसकी जो सेविंग हो रही है एक साल में वो 6,00,000 रुपए हो रही है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, नो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट। वो क्या कर रहा है, अपना पैसा सेव करके रख रहा है, भले ही अब उस पैसे पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा हो या वो अपना नॉर्मली अपनी कवर्ड में रख रहा हो। ठीक है, उसके पास इतना पैसा ईयरली सेव हो। अब देखो बिजनेस की क्या थिंकिंग है उसकी, इन्वेस्ट ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ और बिजनेस। वो क्या कर रहा है, वो अपना एक बैकअप तैयार कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल उसने 3 साल जॉब करी, 3 साल जॉब करने के बाद उसके पास, अगर वो जॉब छोड़ देता है तो उसके पास 3 साल का सर्वाइवल अमाउंट बच रहा है, उस अमाउंट से वो अपना सर्वाइवल कर सकता है। ठीक है, और उस पीरियड में वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अपने आप को 3 साल का वक्त दे सकता है जिसमें वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ पर्सन बी। तो देखो थिंकिंग का फर्क है, दोनों सेम कमाते हैं, दोनों सेम तरीके से खर्च भी करते हैं, लेकिन थिंकिंग का फर्क है कि कौन कहां कैसे इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को यूज करता है। आई होप सो कि आपने अपने आप को पहचान लिया होगा कि आप पर्सन ए हो या पर्सन बी हो, कमेंट करके बता दो, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो अगर कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो या कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, एक तो सबसे पहले कमेंट करके बता दो नीचे वीडियो में, तो उस पर भी वीडियो बन जाएगी अगर आपको कोई इशू आ रहा। दूसरी चीज, मैं ये चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक रियल लाइफ एक्सपीरियंस गाइस शेयर हो सके, आप तक पहुंच सके। आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आपको सही पाथ नहीं मिल रहा है, बस आप क्या सोच रहे हो कि यार ये भी करके देख लूं, ये भी करके देख लूं। एक बिजनेस आप शुरू करते हो, दूसरा भी आप करने की सोचते हो, तो वहां कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।